गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है सितंबर 25, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से कुछ टॉपिक्स आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए आज हम लोग क्या क्या टॉपिक करने वाले हैं। वन ऑन राइनोस के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, जीएस पेपर 3 से, ये थोड़ा सा न्यूज में है इसलिए थोड़ा इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। एनआईए और यूपीए, हालांकि वैसे तो रिपीटेड सा टॉपिक है लेकिन काफी कंटेंट मैंने यहाँ पे आपके लिए ऐड किया है, सेल्फ स्टडी के लिए कर सकते हो। और जो स्टूडेंट प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हैं, इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए तो ये नया टॉपिक हो सकता है। आप स्किप कर सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जो है टाइम लैम्प जो है स्टैम्प दिखाई देता है, वहां पे हर टॉपिक की टाइमिंग लिखी होती है, तो उसके ऊपर क्लिक करके आप वो पर्टिकुलर टॉपिक भी देख सकते हो अगर आपके पास पूरी एनालिसिस देखने का टाइम नहीं है। बट मैं तो रिकमेंड करूंगा एनालिसिस को पूरा देखा करो। हो सकता है कई बार कोई रिपीटेड थोड़ा टॉपिक आपको लगता है आपके पास आपके आपको उसके ऊपर बहुत अच्छे से कमांड होती है तो थोड़ा उसका आप स्किप कर सकते हो, लेकिन जो है टाइम टू टाइम आप जो है पूरी एनालिसिस देखा करो बेटर आउटपुट के लिए, ठीक है जी। चलिए फार्मर्स और पैडी थोड़ा इस पे बात कर सकते हैं कि भाई पंजाब के बेसिकली फार्मर्स की बात कर रहा है कि फार्मर्स जो है वो उनको फोर्स किया जा रहा है इनडायरेक्टली राइस ग्रो करने के लिए। तो हम लोगों ने थोड़े समय पहले तीन चार दिन पहले स्टबल बर्निंग वाला केस किया था, ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग भी थोड़ा सा हम इस पे बात कर सकते हैं। साउंडिंग रॉकेट के बारे में बात करेंगे तो इसरो से ये टॉपिक आता है, हमारा साइंस एंड टेक वाले पोर्शन से आता है। जैन हेरिटेज के बारे में बात करेंगे तो आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक से इसको हम लोग कर सकते हैं। कैपिटल पनिशमेंट, ये तो वैसे रिपीटेड सा टॉपिक है बट ठीक है, इन्होंने दिया हुआ तो कर सकते हैं। रशियन मोबिलाइजेशन, एक थोड़ा सा अपडेशन यहाँ पे है रशिया यूक्रेन वॉर की तरफ से। उसके अलावा हमारे पास एडिशनल आर्टिकल भी है, ओलंपिक डिसीज वगैरह, वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारे एनसीईआरटी का कोर्स अगर किसी बच्चे को ज्वाइन करना है, 11th से जो स्टार्ट हो चुका है, तो आप इस लिंक पे जाके जो है क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो देखिए पहला टॉपिक आता है भैया, इनर्ट राइनोज राइज फ्रॉम द एशिज एट काजीरंगा। राइज फ्रॉम द एशिज, ऐसा लगता है किसी हॉलीवुड की मूवी का टाइटल है ना, एकदम मतलब राख एशिज से जो है उभर गया है। देखिए मामला क्या है को बता देता हूं कि ये जो है ना, ये हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है, इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, राइनोज की के 3 स्टैचूज एक तरह से जो है वो हम लोगों ने बनाए हैं। लेकिन कोई ऐसे आम स्टैचू नहीं है, ये बड़े खास स्टैचू हैं। पिछले 25-30 सालों से आसाम के अंदर बहुत सारे राइनोस को मारा गया था। और राइनोस को मारा क्यों जाता है, स्पेशली राइनोस को मारा जाता है उसकी स्किन के लिए और इस हॉर्न के लिए मारा जाता है। ये जो हॉर्न होता है ना, इसके मुंह के ऊपर आप देख सकते हो। अब 25-30 सालों से वहां पे बहुत सारी पोचिंग हुई है, तो राइनोस के बहुत सारे हॉर्न्स जो कि इलीगल हुआ थे उनको कलेक्ट किया गया था। 25-30 सालों से वो आसाम की सरकार के पास पड़े हुए थे। पिछले साल क्या गया, 2021 में गवर्नमेंट ने इनको जला दिया और उस समय भी काफी बड़ी न्यूज बनी थी ये। तो वो जो राख उसके जलने से बनी थी ना, उससे जो है ये स्टैचूज बनाए गए हैं। इसलिए इन्होंने कहा है राइज फ्रॉम द एशिज, राइज फ्रॉम द एशिज, तो ये बनाए गए हैं, इसलिए थोड़ा सा न्यूज में था। आई होप आपको करवा देता हूं। एज अ राइनोज के बारे में आपको बताता चलूं कि ये जो है, देखिए वैसे कई तरह के स्पीसीज होते हैं राइनोज में, लेकिन जो इंडियन राइनो होता है ना, ये दुनिया के सबसे लार्जेस्ट राइनो होता है, ठीक है। थोड़े से ब्राउनिश कलर का होता है और इसके ऊपर बाल वाल नहीं होते हैं, बिल्कुल हेयरलेस होता है, ठीक है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और ये जो हॉर्न होता है इसके मुंह के ऊपर, ये जो है 8 से लेकर 25 इंच तक का हो सकता है। और 99.99% टाइम जो है ये घास ही खाता है, ग्रास ईटर है, और कभी कभी पत्ते भी खा लेता है, ब्रांचेस वगैरह भी खा लेता है अगर थोड़ा फूड की कमी होती है तो, ठीक है। और ग्रासलैंड्स में रहता है, जंगल वंगल में नहीं रहता है, ग्रासलैंड में ही रहता है। नेपाल भूटान पाकिस्तान आसाम में पाया जाता है। IUCN के हिसाब से जो इसको वल्नरेबल स्टेटस दिया गया है, और हमारे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वहां पे इसको सेक्शन 1 शेड्यूल 1 के अंदर रखा गया है, मतलब इसको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया है। चलिए जी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि काजीरंगा के अलावा या कोई और ऐसा नेशनल पार्क है जहां पे वन ऑन राइनोस पाए जाते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ तो मजा आएगा। उसके अलावा इसको जो है राइनोस को सेव करने के लिए, कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप लिए हुए हैं, जैसे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ द एशियन राइनोस 2019, प्रोजेक्ट टू क्रिएट द DNA प्रोफाइल, इंडियन राइनो विजन 2020, ठीक है। और उसके अलावा जो है हम लोगों ने मानस जो ये राइनो है ना, हम लोगों ने 20 राइनोज को जो है वो राइनोज के अंदर शिफ्ट, मानस के अंदर शिफ्ट किया था फ्रॉम काजीरंगा इंडियन राइनोज विजन के तहत। क्यों किया था, देखिए क्या रहता है ना, मतलब आप ये समझ लो कि अगर ये सारे के सारे राइनोज अगर एक ही पार्क में होंगे
और कल को मान लो कोई डिसीज आ जाता है, कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, तो उनके मरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए उनको अलग अलग साइट्स पे डाला जाता है ना। जैसे हिंदी में कहते, इंग्लिश में कहे कहावत भी है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, है ना। एक ही बास्केट के अंदर सारे अंडे नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अगर एक बास्केट टूटी तो सारे अंडे टूट जाएंगे। तो इसलिए भैया अलग अलग बास्केट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, ताकि कम से कम एक बास्केट टूटे तो दूसरी तो सेफ रहती है ना, ये फायदा होता है इसका। तो मानस में शिफ्ट किया गया था। चलिए, कल हम लोगों ने क्वेश्चन किया था एंग्लो इंडियन पर्सन के बारे में, तो कौन होते हैं, इसका सही आंसर हो जाता है आपका ए। एन एंग्लो इंडियन पर्सन मीन्स अ पर्सन हुज फादर और एनी ऑफ हुज अदर मेल, देखिए फीमेल का नाम नहीं है भाई यहाँ पे, मेल के बारे में कह रहा है कि या तो आपके फादर या फिर आपके दूसरे मेल रिश्तेदार, ठीक है, इन द मेल लाइन इज और वाज ऑफ यूरोपियन डिसेंट। अगर वो यूरोपियन डिसेंट के थे, देखो ध्यान रखना है ये ब्रिटिश डिसेंट की बात नहीं कर रहा है, यूरोपियन डिसेंट की बात कर रहा है, ठीक है। बट हु इज डोमिसाइल्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, लेकिन जो इंडिया में रहते हैं परमानेंटली, या तो वहां पे यहाँ पे वो पैदा हुए हों या फिर उनके पेरेंट्स के साथ वो आए हों, उसे कहा जाता है एंग्लो इंडियन, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये ब्रिटिश नहीं है, यूरोपियन डिसेंट है, और ये मेल वाली साइड में होता है, फीमेल वाली साइड में नहीं होता, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी। जैसे मान लो अगर अगर कोई इंडियन है और उसने किसी फ्रेंच लेडी से शादी कर लिया, ठीक है, तो उसको हम लोग उनके बच्चों का एंग्लो इंडियन नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर कोई ब्रिटिश मेल है और इंडिया में आके वो इंडियन फीमेल से शादी करता है, तो उनके बच्चों को आप एंग्लो इंडियन बोल सकते हो। तो बेसिकली ये यहाँ पे मामला बनता है। चलिए जी, NIA gets custody of the 11 PFI men charged under UAPA in Kochi. आपका पता ही है कि केरला के अंदर, तमिलनाडु के अंदर क्या हो रहा है। NIA जगह जगह पे छापेमारी कर रही है, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है उनके लीडर्स के ऊपर जो है ED की रेड भी पड़ रही है, NIA वगैरह, तो वो उस मुद्दे में हम लोग नहीं जाएंगे बेसिकली। लेकिन अच्छा, ये कंटेंट यहाँ से हटा देना आप, ठीक है। बात यह है कि भैया NIA और UAPA क्या है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, ठीक है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये वाला कंटेंट हटा देना, ये कल वाला टॉपिक आया हुआ है यहाँ पे, मैं इसको वैसे फाइनल डॉक्यूमेंट से हटा दूंगा, ठीक है। देखिए NIA क्या है थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। UAPA क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जब 26/11 का अटैक हुआ था मुंबई में, तो उसके बाद जो है NIA की स्थापना की गई थी। ये माना गया था कि भैया हमारी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, स्टेट एजेंसीज हैं, उनके बीच में कोलैबोरेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। तो एक काउंटर जो है टेररिस्ट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, और ये स्टैचुटरी बॉडी है, होम मिनिस्ट्री के अंडर में जाके ये काम करती है, और ये उन सारे ऑफेंस के ऊपर कार्रवाई कर सकती है जो शेड्यूल ऑफेंस होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर शेड्यूल ऑफेंस क्या होता है, उसकी लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। तो जितने भी इसके अंदर ऑफेंस होते हैं सब NIA कर सकता है अपनी उसके अंदर कार्रवाई, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, एटोमिक एनर्जी, ये सब करके, ठीक है। आपको हर कोई नाम याद नहीं रखना, बट स्टिल अगर आप कर सकते हो तो कर लेना। 2019 के अंदर जो है हम लोगों ने NIA की पावर को थोड़ा सा बढ़ा दिया था, अमेंडमेंट किया था उस एक्ट के अंदर, और इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी उसमें डाल दिया गया था। जो फेक करेंसी नोट्स होते हैं वो भी कार्रवाई कर सकता है। साइबर टेररिज्म के अंदर हम लोगों ने IT एक्ट के अंदर चेंजेस किए थे, वो भी कार्रवाई हो सकती है। और उसके अलावा एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेज एक्ट के अंदर भी जो है NIA कार्रवाई कर सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और ये आपको बताता चलूं कि NIA का जो सेक्शन एक्ट है वो क्या कहता है, स्टेट गवर्नमेंट कैन रेफर अ केस। अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि भाई ये जो पर्टिकुलर क्राइम किया गया है किसी के द्वारा वो शेड्यूल ऑफेंस में आता है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको के अंदर में आता है, तो डेफिनेटली वो NIA के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। जरूरी नहीं है कि हमेशा सेंटर ही करे। हाँ, एक चीज आपको बता दूं कि अगर सेंटर किसी क्राइम को NIA को सौंपती है तो उसको स्टेट की परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि स्टेट के लिए मैंडेटरी होता है कि NIA की केस की हेल्प करे, स्टेट की पुलिस NIA की हेल्प करती है। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी तो ये रिपीटेड ऐसा यहाँ पे डाल दिया है। UAPA के बारे में आपको बताता चलूँ, क्योंकि देखिए UAPA भी न्यूज में है ना, और पहले भी न्यूज में रहा है UAPA, तो बहुत ज्यादा UAPA का मिसयूज बहुत ज्यादा होता है, इसके बारे में हम लोग पहले अच्छी खासी बातचीत कर चुके हैं। 1967 में सबसे पहली बार इनैक्ट किया गया था UAPA को, फिर 2004 में और 2008 में इसको अमेंड किया गया था, बाद में 2019 में इसको अमेंड किया गया। देखिए UAPA का मतलब होता है भैया अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट, मतलब एक्ट बोलते हैं इसको UAPA। अनलॉफुल मतलब जो कानून के खिलाफ आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो जो कि इंडियन कानून के हिसाब से नहीं है, आप कानून को तोड़ते हो, तो उसे कहा जाता है अनलॉफुल एक्टिविटीज, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या है, जो मेनली जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं, या फिर अगर कोई आपने दंगे वंगे भड़का दिए, राइट्स वगैरह में आपका हाथ है, ठीक है, कोई एंटी इंडिया एक्टिविटी आप कर रहे हो, तो वो सब एक्टिविटी बेसिकली यहाँ पे मानी जाती है। 2019 से पहले प्रोविजन ये हुआ करता था कि UAPA के तहत
सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस को ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जा सकता था, लेकिन 2019 में सरकार ने इसमें चेंज कर दिया और इंडिविजुअल पर्सन को भी अभी टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है अंडर UAPA। ये थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं और कई सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं इस समय जो UAPA के अंदर बंद पड़े हुए हैं। यहाँ पे एक चीज आपको बताता चलूं कि इसका जो सेक्शन 43D है वो ये कहता है कि भाई अगर एक बार आपने चार्जशीट फाइल कर दी ना पुलिस ने आपके खिलाफ और आपका खिलाफ UAPA के अंदर चल पड़ा, तो भाई आपको बेल मिलना जो है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। नेक्स्ट अगर कोर्ट को यह लगता है बियॉन्ड एनी रीजनेबल ग्राउंड कि आपकी इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर क्राइम के अंदर कुछ ना कुछ, तो आपके खिलाफ UAPA लगाया जाएगा। जैसे आप एक एग्जांपल यहां पे दे सकते हो, उमर खालिद वाला एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। अब उमर खालिद ये कह रहे हैं भाई मैं किसी भी तरह से दंगे भड़काने के अंदर इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन उमर खालिद के तो UAPA लगा हुआ है। अगर उमर खालिद को बेल चाहिए तो कोर्ट के मन में 0% डाउट होना चाहिए। अगर 0.5% भी डाउट है ना कोर्ट के मन में कि इन्वॉल्व हो सकता है तो आपको बेल नहीं मिलेगी। तो कुछ व्हाट्सएप की चैट वगैरह थी, जो लोग इन्वॉल्व थे उसके अंदर, उन ग्रुप्स के अंदर जो है उमर खालिद मेंबर था, हालांकि उसने कुछ ऐसा चैट वैट का दिखाया नहीं है, इन्होंने एज अ प्रूफ दिया नहीं है, बट स्टिल बिकॉज आप उसके मेंबर थे तो ये भी जो है कोर्ट के लिए ग्राउंड बन सकता है कि आप जो है उस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हो। तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अगर आप है तभी आपको बेल मिलेगा, अदर बेल नहीं मिलेगा। UAPA के अंदर भाई जो हाईएस्ट सेंटेंस होता है वो डेथ पेनल्टी भी हो सकता है, लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है, और ये इंडियन और फॉरेनर दोनों के ऊपर ही लगाया जाता है। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। जो पुराने स्टूडेंट हैं हमारे, बार बार देखते हैं एनालिसिस, उनको तो ये टॉपिक पहले अच्छे से पता ही होगा, काफी ज्यादा डिस्कस हम लोगों ने किया था इसको पिछले दिनों। चलिए तो ये वैसे तो पंजाब की न्यूज है, तो पंजाब में जो है किसान, देखिए स्टबल बर्निंग वाला केस तो जो है चल ही रहा है, ठीक है। स्टबल बर्निंग मेनली हम लोग यहाँ पे पैडी कल्टीवेशन की बात करते हैं, राइस कल्टीवेशन की बात करते हैं, और जिसके बाद में जो है जला दिया जाता है, पोल्यूशन वगैरह होता है। तो भाई किसानों से ये पूछा गया कि आप पैडी कल्टीवेशन क्यों करते हो, आप दूसरी फसलें भी तो लगा सकते हो जिससे स्टबल बर्निंग भी नहीं होगा और आपका जो है दूसरा इनकम सोर्स भी हो सकता है। अब किसान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई देखो पंजाब में शुरुआत से पैडी कल्टीवेशन नहीं होता था, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में इन कुछ एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया था, जैसे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, सम पार्ट ऑफ हरियाणा, पंजाब, जहां पे पैडी कल्टीवेशन को जो है ऐड किया गया था। उससे पहले पंजाब में नहीं होती थी। उस समय किसानों को बहुत सारे इंसेंटिव दिए गए थे, टैक्स रिलैक्सेशन वगैरह भी अलग अलग चीजों में दिया गया, फर्टिलाइजर सब्सिडी दिया गया, इरीगेशन बेनिफिट, बहुत सारी चीजें दी गई। तो पंजाब का जो एग्रीकल्चर सिनेरियो है ना वो पूरा चेंज कर दिया गया ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे। अब इतने सालों से जो है पिछले 50-60 सालों से किसान वहां पे पैडी कल्टीवेशन कर रहे हैं, अब आप अचानक से इनको बोल दोगे ये चेंज कर दो, कैसे चेंज करें, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ कुछ किसानों का चेंज करने का मूड है और वो जैसे पॉपुलर उन्होंने लगा लिया, वेजिटेबल्स वगैरह लगा लिया, या कीनू की खेती भी की जाती है, काफी कीनू की खेती की जाती है पंजाब के अंदर कुछ एरियाज के अंदर। कुछ किसान करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको प्रॉपर MSP नहीं मिलता। और अब पैडी के ऊपर MSP मिलता है, किसान को पता है भाई अब जितना ग्रो करोगे कम से कम सरकार इतना तो खरीद ही लेगी, लेकिन पॉपुलर वगैरह आपने लगा लिया, वेजिटेबल्स वगैरह लगा लिया या कुछ और लगा लिया, इसके ऊपर तो सूरजमुखी के पेड़ आपने लगा लिए है ना, खेती आपने कर ली सूरजमुखी वाली, उसके ऊपर तो MSP नहीं है। तो किसान यही कह रहे हैं कि सरकार अगर चाहती है कि हम लोग दूसरी चीजों की तरफ शिफ्ट हों तो कम से कम हमें इंसेंटिव दे, ठीक है। ये पूरा मामला यहाँ पे बनता है। पंजाब की अगर हम लोग बात करें तो पंजाब का आप ये समझ लीजिए कि देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कि टोटल जो 88,881 लाख टन जो पैडी पैदा होता है इंडिया में, उसमें 125 लाख जो है वो सिर्फ पंजाब में पैदा होता है। 1 किलोग्राम आपको राइस प्रोड्यूस करने के लिए 5,000 लीटर पानी लगता है, 1 किलोग्राम वीट प्रोड्यूस करने में 2,500 लीटर पानी लगता है। तो कितनी ज्यादा पानी भाई यहाँ पे लगता है। अगर आप इस राइस को किसी और फसल के साथ रिप्लेस कर दोगे, कॉटन मान लिया आपने लगा लिया, कुछ और लगा लिया, तो बेनिफिट ही होगा ना, ग्राउंड वाटर बच जाएगा, ओवर एक्सप्लोटेशन नहीं होगा, ये सारी चीजें। तो बेसिकली किसानों का ये कहना है कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें इंसेंटिव दीजिए, MSP हमें दीजिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है, हम लोग उसको करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारा का सारा मामला यहाँ पे बनता है। चलिए इसरो आइंग 200 सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ रोहिणी RH-200 साउंडिंग रॉकेट इन अ रो। देखिए वैसे आपको बता दूं ये साउंडिंग रॉकेट क्या होता है। देख साउंडिंग रॉकेट ना एक तरह से आप जो समझ लीजिए ये एक्सपेरिमेंटल टाइप के रॉकेट्स होते हैं, या फिर जो छोटे छोटे सैटेलाइट्स होते हैं, फिर आप ये समझ लीजिए कि जो वेदर
ऑब्जर्वेशन के लिए जो बलून्स वगैरह छोड़े जाते हैं, है ना, ऐसे 50 किलोमीटर पे, 70 किलोमीटर पे, हमारे अपर एटमोसफेयर को स्टडी करने के लिए, स्ट्रेटोस्फेयर वगैरह को स्टडी करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो वहां पे सेटअप किए जाते हैं, उनके लिए जो है साउंडिंग रॉकेट का यूज किया जाता है। इनकी बहुत ज्यादा रेंज नहीं होती है, यही 50, 60, 70, 80, 100 to 120 किलोमीटर तक की इनकी रेंज होती है, मैक्सिमम 140 तक जाता है, इसे ऊपर नहीं जाता है। ये बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो ये रॉकेट्स वगैरह ना उसी लिए यूज किए जाते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़े सैटेलाइट वगैरह के लिए इनको यूज नहीं किया जाता है। और इसरो ने लगातार बाय बैक टू बैक 198 साउंडिंग रॉकेट को अभी तक छोड़ा है विदाउट एनी फेल। तो एक तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में छोड़ेंगे 199th और 200 वाला छोड़ने वाले हैं अभी जो है अक्टूबर के एंड में या फिर नवंबर तक हम लोग छोड़ सकते हैं। ये 200 का मतलब क्या है, 200 का मतलब ये भी होता है इसका जो डायमीटर होता है बेसिकली उसको 200 बोलते हैं, तो ठीक है, और नंबर भी 200 है और डायमीटर भी 200 mm है। और ये जो कंटेंट है मैंने बेसिकली इसरो की वेबसाइट से ही लिया है, तो कहीं और से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कहता है कि भाई इसरो कहती है साउंडिंग रॉकेट आर वन और टू स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट, यानी कि इसके अंदर जो फ्यूल होता है वो एक स्टेज भी हो सकता है, दो स्टेज भी हो सकता है, और सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज करते हैं, ठीक है। यूजली जो ऑक्सीडाइजर होता है और जो फ्यूल होता है वो सॉलिड जो है उसमें यू नो स्टेज में होता है, एक तो उन्होंने ये कहा। पर अपर एटमॉस्फेयर वगैरह को जनरली हम लोग उसको, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, थोड़ा बहुत स्पेस रिसर्च वगैरह के लिए इसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। सबसे पहला जो हम लोगों ने साउंडिंग रॉकेट इंडिया में छोड़ा था वो हम लोगों ने बेसिकली फ्रांस, ठीक है, फ्रांस से लिया था, फिर बाद में हम लोगों ने अमेरिका से भी लिया, फिर बाद में हम लोगों ने रशिया से भी लिया, और फाइनली जो है 1963 में जो है इंडिया ने खुद का भी जो है खुद अपना साउंडिंग रॉकेट भी छोड़ा था। और बाद में यही जो साउंडिंग रॉकेट होते हैं हमारे इसरो के, जो बड़े बड़े रॉकेट आजकल हम लोग छोड़ते हैं ना, PSLV, GSLV, उनका जो है बेसिस पॉइंट बना था। ये जो नीचे थोड़ी टेबल आपको नजर आ रही होगी ना, ये भी मैंने इसरो की वेबसाइट से ही इसको स्क्रीनशॉट लेके आपके लिए डाला है, तो थोड़ा सा आप इसको देख सकते हो, ठीक है। चलिए, एरोनॉमी का मतलब होता है कि अपर एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए जो होता है उसको, और मेटेरियोलॉजी जो वेदर फिनोमेनास वगैरह को करने के लिए किया जाता है, तो ये इसका बेसिकली पर्पस होता है। ये आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, डेफिनेटली यहाँ से आपसे सवाल पूछता है, ठीक है, पर्पस पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है, क्या होता है आपसे पूछेगा ना कि रिसेंटली साउंडिंग रॉकेट वॉज इन न्यूज, है ना, इट इज रिलेटेड टू व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपसे पूछेगा टू स्टडी मेटेरियोलॉजी, एरोनॉमी एंड ऑल दैट, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन हेरिटेज साइट इन तमिलनाडु बेटर्स फॉर द एलिमेंट। देखिए ये हमारे कंट्री में ना बहुत ही एक नॉर्मल सा फिनोमिना है कि भैया जो हमारी पुरानी हेरिटेज साइट्स हैं ना उनकी कोई देख रेख करता नहीं है। और देखिए सरकार की भी मजबूरी है, उनके पास इतना पैसा ही नहीं है भाई, है ना, कहाँ कहाँ ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा तो बजट होता है गवर्नमेंट का, उसके अंदर कितनी चीज़ों को हम लोग, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इग्नोर कर दी जाती हैं, कोशिश करते हुए भी सरकार ध्यान नहीं दे पाती है, लेकिन ठीक है देखते हैं। तो क्या रहता है भाई, ये एक तमिलनाडु के अंदर जो है एक गाँव है पुडुकोट्टई, ठीक है, वहाँ पे एक बहुत पुरानी साइट है, 1000 साल से भी पुरानी साइट है, क्रिश्चियन एरा से पहले की भी साइट है, जो कि बेसिकली जैन साइट है, ठीक है, और इसके नाम है सित्तानवसाल, ठीक है, सित्तानवसाल इसका नाम होता है ओवरऑल। तो यहाँ पे एक पहाड़ी के ऊपर जाके बेसिकली बना हुआ है, और वहाँ पे एक लेक भी पाई जाती है, ठीक है, जिसका नाम है नवचुनाई तार्न, छोटी सी लेक है वहाँ पे, और उसके अलावा कुछ बेड बनाए गए हैं, बेड समझते हो ना, जिसके ऊपर सोते हैं, बेड होता है हमारा जो सोने के लिए बैठने के लिए, तो वो भी वहाँ पे पाए जाते हैं। तो बेसिकली जैन मंक जो होते थे वो वहाँ पे आते थे, मेडिटेशन वगैरह करते थे और वहाँ पे रुकते थे, तो काफ़ी अच्छी साइट है वहाँ पे बेसिकली मानी जाती है। और ये तमिलनाडु के अंदर एकमात्र ऐसी साइट है सित्तानवसाल जहाँ पे पांड्या टाइम की जो है पेंटिंग्स पाई जाती हैं, पांड्या टाइम, हालांकि काफ़ी सारी बर्बाद हो चुकी हैं, बट एनीवेज अभी जो थोड़ी बहुत बची हुई हैं सरकार इनको करने की कोशिश कर रही है। और इसके अंदर जो पेंटिंग वगैरह भी पाई जाती है ना वो बेसिकली पोस्ट अजंता के पेंटिंग है, अजंता के बाद वाली, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, ठीक है, पोस्ट अजंता, ये थोड़ा अपने ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में डेफिनेटली आपसे वो पूछ सकता है। यहाँ के जो कुछ पिलर्स वगैरह हैं उन पिलर्स वगैरह पे जो है कुछ डांसिंग गर्ल्स की पेंटिंग भी पाई जाती है, हालांकि अभी वो पूरी ब्लर हो चुकी है, पहचान में नहीं आती है, बट स्टिल थोड़ा सा आप देख सकते हो, ठीक है। और नेचुरल कलर्स वगैरह का यूज किया गया है, प्लांट डाइज का, लाइम और क्ले, लैम्प ब्लैक, ये सब जो है वहां पे यूज किया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स में डेफिनेटली इस तरह की जो चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना है, ये कंटेंट आपको एक बार पढ़ लोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना आपके लिए मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। चलिए जी,
आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक हमारे पास है, व्हाट इज द एससी इनिशिएटिव ऑन द कैपिटल पनिशमेंट। देखिए मैं आपको पूरी चीज बता देता हूं क्या है पूरा मामला। मामला देखो ऐसा है कि जैसे मान लो एक आदमी है और उसने कोई क्राइम कमिट किया, उसने जो है को मर्डर कर दिया किसी का, ठीक है, और या उसने रेप करके किसी का मर्डर कर दिया, या उसने कोई टेररिस्ट जो है एक्टिविटी कर दिया। अब वो उस आदमी को जो है पुलिस के द्वारा जो है वो जज साहब के सामने लेके जाया जाता है, ठीक है। तो जज साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं और वो इसको देखते ही पहचान जाते हैं, क्योंकि पुलिस चार्जशीट फाइल करती है ना, चार्जशीट। तो पुलिस के चार्जशीट में सब कुछ लिखा होता है कि सर इसने क्राइम किया है, कब किया है, क्यों, वो सब चीजें लिखी होती हैं और इसका बयान भी दर्ज होता है। तो अगर ये आदमी जो है मान जाता है कि हाँ भाई मैंने क्राइम किया है, तो जज साहब क्या करते हैं, उसको सजा सुना देते हैं तुरंत, उसको तुरंत जो है सजा सुना देते हैं और उसको कन्विक्ट डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, उसको कैपिटल पनिशमेंट दे देते हैं। कैपिटल पनिशमेंट की यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है। अब कई बार ऐसा देखा गया है कि वन डे कैपिटल पनिशमेंट भी दिया गया है। वन डे 10 बजे आए सुबह कोर्ट में, जज साहब बैठे हुए थे, पुलिस ने चार्जशीट फाइल करी रखी थी पहले से, जज साहब के सामने फाइल आती है, जज साहब जो है 15-20 मिनट उस फाइल को देखते हैं, इस आदमी से पूछते हैं कि भाई तुमने क्राइम किया है, बोलता हाँ जी सर मेरी इससे गलती होगी मैंने किया है। तो जज साहब बोलते हैं चलो 12 बजे जो है इनको फांसी की सजा सुना दी गई, सिर्फ 2-3 घंटे के अंदर सुना दी जाती है। तो यहां पे बड़ी प्रॉब्लम है। अब इस आदमी को तो ये कन्विक्ट हो गया, इसको अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिला। अब ये जाएगा हाई कोर्ट के अंदर, फिर जाएगा ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उसको मौका मिलता है अपनी बात रखने का, छोटे कोर्ट में उसको मौका ही नहीं मिलता अपनी बात रखने का। अब सुप्रीम कोर्ट ये सब चीजें देखती रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये गलत है, इनिशियल लेवल पे ही वो जो अक्यूज्ड है उसको अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, रादर देन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो जज जो है ना, सेशन कोर्ट वगैरह में जो जज होते हैं, इनको भी कन्विक्ट के बारे में पूछना चाहिए। क्योंकि देखो कन्विक्ट ने वो मतलब जो एक्यूज्ड है उसने अगर वो क्राइम कमिट किया है, तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है, वो कोई शौकिया नहीं करता है, ऐसा नहीं कि भाई वो उसको मजा आता है क्राइम कमिट करने में, नहीं। बहुत बार उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशंस, उसकी फैमिली सिचुएशंस, क्या उसका चाइल्डहुड कोई ट्रोमा हुआ होगा, बचपन में कोई सेक्सुअल अब्यूज उसके साथ हुआ है, कोई गाली गलौज हुई है, मारपीट हुई है ना, उसकी सोसाइटल जिस सोसाइटी में रहता है वहां का मेन किस तरह का माहौल बनता है वहां पे, ये सारी चीजें भी तो रिस्पॉन्सिबल हो सकती है ना क्राइम को कमिट करने के लिए। तो जज जो होते हैं ना लोअर कोर्ट जुडिशरी के अंदर, उनको सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए भैया क्या क्राइम किया है, उनको ये भी देखना चाहिए कि इस क्राइम के पीछे कुछ और रीजन हो सकता है क्या, उसके बेसिस पे जो है उसकी हियरिंग होनी चाहिए, तब जाके आपको जो है पहुंचना चाहिए किसी नतीजे के ऊपर। तो ये बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर इन्होंने ये सारी बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है, ठीक है। तो रेयर केस में बेसिकली दिया जाता है फांसी की सजा, वैसे आपको पता ही है, लेकिन अब तक ये डिफाइन नहीं किया गया है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस क्या होता है, वो जजेस अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं, उनको लगता है कि भाई यहाँ उसमें आता है तो वो लोग सब कर देते हैं। तो यही पूरा मामला है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रेफरेंस। तो इनका ये कहना है कि भाई जो पुलिस की रिपोर्ट होती है जब चार्जशीट में फाइल होती है, सिर्फ वो काफी नहीं है, बल्कि कुछ साइकोलॉजिस्ट भी होने चाहिए, कुछ सोशल वर्कर्स भी होने चाहिए, है ना, उनको भी जो है असेस करना चाहिए उस कन्विक्ट को, तब जाके वो रिपोर्ट वगैरह पेश करें और बताएं जज साहब को कि हाँ भाई इसको कैपिटल पनिशमेंट दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। और कैपिटल पनिशमेंट तभी दिया जाना चाहिए कि जब जज को ये लगे कि भाई इस आदमी में सुधार नहीं हो सकता, है ना, ये तो एकदम सोसाइटी के लिए खतरा ही है, उस केस में कैपिटल पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। अगर 1% भी सुधार का चांस है तो आप कैपिटल पनिशमेंट मत दीजिए, ठीक है। आप उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट दे सकते हो, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, वो वैसे ही बेचारा मर जाएगा वहां पे। तो ये कुछ कुछ चीजें यहाँ पे हैं, ठीक है। सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में जब लगता है कि भाई इसने कोई ऐसा क्राइम कर दिया जिसे सोसाइटी के जो कॉन्शियंस है वो पूरी झकझोर दी गई है, सोसाइटी के कॉन्शियंस पे अटैक हो गया है, जैसे निर्भया वाला केस हुआ था ना, इस तरह के जो केस होते हैं, उस केस में जो है आप कैपिटल पनिशमेंट दे सकते हो। तो यही था पूरा छोटा सा आर्टिकल, पर पहले हम लोग कर चुके हैं कैपिटल पनिशमेंट के प्रोज एंड कॉन्स, मतलब प्रोज एंड कॉन्स नहीं, आर्गुमेंट इन फेवर एंड आर्गुमेंट अगेंस्ट में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि भाई हाउ विल पुतिन मोबिलाइजेशन इंपैक्ट यूक्रेन। तो बारह मामला क्या है थोड़ा आपको वैसे पता ही है पहले से, ये जो थोड़ा सा ऑरेंज कलर में आपको नजर आ रहा है ना, ये है रशियन कंट्रोल टेरिटरी, ठीक है। और ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला, जिसके अंदर थोड़ी सी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ, ये वाला जो आपको नजर आ रहा है एरिया, ये इधर क्रीमिया आ गया,
ये वो एरिया है जो ऑलरेडी लगभग लगभग रशिया के कंट्रोल में हुआ करता था अभी इस कन्फ्लिक्ट से पहले, ये वो वाला एरिया है। उसके अलावा एक चीज आप और देखोगे, ये जो ग्रीन कलर का नजर आ रहा है आपको इधर, और ये थोड़ा सा आपको इधर नजर आ रहा है, ये वो एरिया है जो यूक्रेन ने रिक्लेम कर लिया है रशिया से। ये रशिया के कंट्रोल में आ गया था, लेकिन उन्होंने भाई रशिया वालों के छक्के छुड़ा दिए और उसको दोबारा से अपने कब्जे में ले लिया है। ये वो वाला एरिया है। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट सिटी है खार्किव, रशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज में आता है। पहले इसके ऊपर रशिया का कंट्रोल हो गया था, लेकिन अभी दोबारा से कंट्रोल हो गया है यूक्रेन का। तो ऐसा माना जा रहा है कि भाई रशिया की जो फोर्सेज हैं वो पीछे की तरफ जा रही हैं, वो यूक्रेन वाली फोर्सेज का मुकाबला नहीं कर पा रही हैं, वो सारी चीजें हैं। अब ये थोड़ा सा कहानी आपको बता देता हूँ, ऐसे आपको अच्छे से पता ही होगा। जब ये सारी की सारी चीजें शुरू हुई थी तो पुतिन ने ये कहा था कि ये एक ना एक कंट्रोल्ड मिलिट्री ऑपरेशन है, ठीक है, कंट्रोल्ड मिलिट्री ऑपरेशन है। तो उसके लिए जो उन्होंने क्या किया था, 1.5 लाख अपने जो है बेस्ट सोल्जर्स को यहां पे लगाया था। लेकिन अभी भैया नुकसान तो हो रहा है रशिया का, बहुत सारे सोल्जर्स मारे जा रहे हैं। तो रशिया को ये लग रहा है कि ये सोर्सेज जो सोल्जर हैं वहां पे वो काफी कम हैं, और ज्यादा मैन पावर होनी चाहिए। तो रशिया की आर्मी के अंदर जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं ना, कर्नल वो सब करके ब्रिगेडियर्स वगैरह, वो डिमांड कर रहे हैं पुतिन से कि हमें और लोग चाहिए, इतने लोग हमारे लिए काफी नहीं है। तो रशिया के अंदर जो है रिजर्व फोर्सेज हैं, रिजर्व फोर्सेज समझ रहे हो ना, कि जिन लोगों ने पहले आर्मी के अंदर काम किया था लेकिन वो बाद में रिटायर वगैरह हो गए, उसे रिजर्व फोर्सेज कहा जाता है रशिया के अंदर। तो उनकी संख्या जो है लगभग 25 लाख के लगभग है। तो रशिया ने ये, अभी पुतिन ने क्या कहा कि उन लोगों को हम लोग दोबारा से भर्ती करेंगे जो लोग ऑलरेडी रिजर्व फोर्सेज के अंदर हैं। तो 3 लाख ऐसे लोगों को भर्ती करने की बात कही है अभी, और बॉर्डर पे भेजने की बात कही है जो बेचारे रिटायर होके एंजॉयमेंट कर रहे थे। तो पिछले कई हफ्तों से ये देखा जा रहा है कि रशिया से बहुत सारे लोग वन वे फ्लाइट लेके जो है यूरोप के अंदर भाग रहे हैं, क्योंकि वो लड़ना नहीं चाहते, उनको लगता है कि भाई रशिया का ये जो पूरा मोटिव है वो बेकार है एंड ऑल दैट, वो सब भाग रहे हैं वहां से, ठीक है। 18 साल से 60 साल के लोगों को, अब देखिए यार उनको रिटायर हुए 25-30 साल हो गए हैं, तो उनको हल्का फुल्का ट्रेनिंग देके जो है भेज दिया जा रहा है। ऐसा भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कई बार रशिया जो है वो जबरदस्ती रिक्रूट कर रहा है लोगों को, 3-4 हफ्ते के बाद उनको छोटी मोटी ट्रेनिंग देके भेज देता है। और देखिए एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, पता नहीं कितनी सच्चाई है उसमें, ये कहा गया था कि यूक्रेन ने शुरुआत में थोड़ा सा पेशेंस रखा, उन्होंने अपनी फोर्सेस को तैयार किया, अपने वेपन्स वगैरह को प्रॉपर तरीके से तैयार किया। जब तक वो तैयार कर रहे थे रशिया जो है वो उनको गेन मिल रहा था, लेकिन एक बार जब यूक्रेन प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर हो गया, ये उसकी तैयारियां चल रही थी, तो उन्होंने जो है काउंटर अटैक कर दिया। शुरुआत में यूक्रेन ने काउंटर अटैक किया यहाँ पे साउथ वाले हिस्से में, तो रशिया के जो सोल्जर्स थे जो यहाँ पे थे इस साइड में, वो यहाँ पे चले गए इसको डिफेंड करने के लिए। अब यहाँ पे जो सोल्जर्स थे वो कौन से थे, जो न्यू रिक्रूट्स थे, नए वाले, एक्सपीरियंस नहीं थे, नए वाले थे, थोड़े एजेड भी थे। अब जब यहाँ पे नए वाले, इनको एक्सपीरियंस तो ज्यादा था नहीं, तो यूक्रेन के एक पलटन ने जो है यहाँ पे अटैक कर दिया इस साइड में। अब भाई इनको तो एक्सपीरियंस पहले ही नहीं था, तो यहाँ से भाग निकले ऐसे बिल्कुल। आजकल तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी कि रशिया के जो अपने टैंक वैंक लेके भाग रहे हैं, और बहुत सारा मतलब कितना सारा असला जो है वेपन वगैरह छोड़ के भाग रहे हैं। तो ये जो एरिया है इसलिए इन्होंने इसको कंट्रोल में कर लिया, फायदा उठाया, तो स्ट्रेटजी है बेसिकली। अब जब ये यहां से यहां आने लगे भाग के, तो ये वाला जो ग्रीन एरिया दिख रहा है आपको, इन्होंने इसको भी कंट्रोल कर लिया। तो बेसिकली क्या है, अभी यूक्रेन थोड़ा वहां पे गेन कर रहा है, क्योंकि नाटो का पूरा सपोर्ट उनके पास है, पैसा वेपन की कमी है नहीं, है ना, उनके पास वो सारी सारी चीजें हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि भाई पुतिन को लग रहा है कि भाई तुम्हारी हार ऐसे हो सकती है, अभी माहौल थोड़ा गर्मा गया है, तो पुतिन जो है अभी थोड़ा सा पीसफुल सॉल्यूशन की बात भी वहां पे कर रहे हैं कि शांति वांति का जो थोड़ा माहौल बने वहां पे, ठीक है। उन्होंने बात भी किया था बेसिकली, अभी थोड़े टाइम पहले बोला भी था कि हम लोग जो है सारे तरीके अपनाने के लिए तैयार हैं। तो ये कुछ कुछ माहौल यहाँ पे बन रहा है, और ज्यादा बस इतना ही काफी है इस आर्टिकल में। ज्यादा हमें कोई आईआर का एक्सपर्ट तो बनना नहीं है, हार्डली एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, तो एक क्वेश्चन के लिए भैया कितना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो यूपीएससी को रिक्वायर्ड है वो थोड़ा वही पढ़ना चाहिए, ज्यादा नहीं। एक क्वेश्चन हमारे पास आता है लुम्पी डिसीज का भी, एक थोड़ा सा आता है हमारे पास, वैसे तो रिपीटेड सही है ये। लुम्पी डिसीज जो है वायरल डिसीज है, वायरस से फैलता है, ठीक है, जिस वायरस का नाम है कैप्री पॉक्सी वायरस, और यही वायरस जो है वो गोट्स के अंदर और शीप्स के अंदर भी
जो है जो स्ट्रेन लेके आता है, स्ट्रेन लेके आता है। सबसे पहली बार 1929 में जाम्बिया में जो है इसको रिकॉग्नाइज किया गया था, फिर बाद में जो है धीरे धीरे दूसरी कंट्रीज के अंदर भी ये जाने लगा, और 2019 में सबसे पहले ये जो है एशिया के अंदर आया था, बांग्लादेश के अंदर इसको किया गया था, फिर वहां से जो है इंडिया, नेपाल, वियतनाम जो है हर जगह चला गया, और 2001 के अंदर जो है इसका कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस किया गया था इंडिया में, और 1958 में जो है कीनिया में इसका जीनोम सीक्वेंस किया गया था। जीनोम सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि भाई आपको पता चल जाता है कि वायरस का डीएनए स्ट्रेन क्या है, आरएनए स्ट्रेन क्या है, वो किस तरह से काम करता है, वो सारी चीज आपको पता चल जाती है, तो वैक्सीन वगैरह बनाने में जो है आपको आसानी रहती है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं। तो इंडिया में सबसे पहली बार तो गुजरात में और राजस्थान में ही ज्यादा भैया आतंक मचाया हुआ है इसने, ठीक है, दूसरे स्टेट में डेफिनेटली इन्फेक्टेड है, और अभी तक 177 जो है यूनिक म्यूटेशंस यहाँ पे पाई गई हैं। हालांकि ऐसा नहीं देखा गया कि भाई अभी दिस इज नॉट अ जूनोटिक डिसीज, ये डेफिनेटली आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जूनोटिक डिसीज और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जूनोटिक डिसीज। तो लंपी वायरस इज नॉट अ जूनोटिक डिसीज। जूनोटिक डिसीज होते हैं जो एनिमल से ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन ये एनिमल से ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है, ये लंपी डिसीज तो अभी तक तो नहीं है, लेट्स होप के फ्यूचर में भी ऐसा ना हो, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको देखना चाहिए, बाकी इसमें और कुछ खास है नहीं। हाँ, मच्छर वच्छर के काटने से फैल जाता है, आपके ये हाउस फ्लाइज होते हैं, मक्खियां वगैरह होती हैं, वो सब एक दूसरे की तरफ फैल जाता है, ठीक है। अभी इसके लिए ऐसा कोई वैक्सीन तो नहीं है, ऐसा सरकार आईसीआर जो है डिवेलप कर रहा है, हो सकता है जल्दी ही वैक्सीन बनाई जा सके, ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे बनता है। उसके अलावा हमारे पास कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हैं, आप अपने पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ सकते हो। तो नंबर ऑफ आर्टिकल एक्चुअली थोड़े से रिपीटेड ही थे, तो ज्यादा समय अपने को लगा नहीं, आज जल्दी ही हमारा एनालिसिस कवर हो गया लगभग। कंटेंट आपको मैं जो देता हूँ इसको एक बार आप ना क्लास के बाद रिवाइज कर लोगे, अगर इसको रोज रोज रिवाइज करते रहोगे ना तो बाद में बहुत आसानी हो जाएगी एग्जाम के लिए आपको रिविजन करने में, और यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं। इस बार आपने जीएस का पेपर 1, 2, 3 देखा ही होगा, मेन्स वाला, प्रीलिम्स में तो खैर बोलने की बात ही नहीं है, प्रीलिम्स में करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है, उसके अलावा मेंस में भी करंट अफेयर ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है, ये भी पढ़ना जरूरी होता है कि भैया आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, उसके लिए यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो अभी तक आपने यूपीएससी के पेपर नहीं देखे तो जाके उसको प्लीज देखें, जीएस पेपर 1, 2, 3 को एनालिसिस करें और उसको देखें कि भैया करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है, कितना परसेंटेज जो है करंट अफेयर से पूछा जा रहा है, जो आपकी तैयारी है करंट अफेयर की उसके बेसिस पे आप जो है कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की पोजीशन में हो, अगर नहीं है तो और कैसे अच्छे से प्रिपेयर करें। जो है हमारे खुद चैनल पे जो है एनालिसिस आया हुआ है क्वेश्चन पेपर्स का, आप उस एनालिसिस को जाके जो है देख सकते हो। अब ये काम सब आपको करना रहता है, ठीक है, तो यही फर्क होता है कि नॉर्मल स्टूडेंट में और एक सीरियस और एस्पिरेंट के अंदर, एक टॉपर के अंदर यही फर्क होता है कि आप लगातार अपनी तैयारी को ना एनालिसिस करते हो, जिसको हिंदी में बोलते हैं आप कितने पानी में हो, तो टाइम टू टाइम आपको पता होना चाहिए आप कितने पानी में हो, उसके हिसाब से ही आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।